नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक दोस्तों, आज का जो वीडियो हमारा वो है अनुपात और समानुपात का दूसरा वीडियो। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले इस वीडियो को जरूर देखें, उसमें मैंने बड़ी अच्छी से समझाया है। ठीक है दोस्तों, आज हम केवल करेंगे सवाल। ठीक है दोस्तों, चलिए तो टाइम कम है, काम ज्यादा है। दोस्तों यहाँ सवाल लिखा हुआ है कि एक्स पूछा है आपसे, डायरेक्ट एक्स पूछा है, तो क्या करेंगे। मैंने कल बता चुका हूं कि अंदर अंदर वालों को गुणा और बाहर बाहर वालों को गुणा, तो ये कैसे होगा। ये होगा 4x बराबर कितना, 8 × 6। ठीक है दोस्तों, बड़ा सिंपल है, 4 × 8 x बराबर 12। ठीक है दोस्तों, अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं कल बता चुका हूं, अनुपात के बारे में पूरे वीडियो बनाया मैंने। ठीक है दोस्तों, समझ आया, चले आगे बढ़ते हैं। यहां पूछा है आपसे तृतीय, यानी कि तृतीय अनुपात। ये 4 अनुपात होते हैं, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। उसमें पूछा था चतुर्थ अनुपात, इसमें पूछा है तृतीय अनुपात, तो इसमें भी वही करेंगे हम, अंदर अंदर वालों का गुणा और बाहर बाहर वालों का गुणा। तो कैसे होगा दोस्तों, ये होगा 7x बराबर कितना, 5 × 14। 7 से 14 कट जाएगा कितना, 2। ये एक्स बराबर हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पूछा है आपसे द्वितीय अनुपात, तो क्या करेंगे, सेम वही है, कितना 11x बराबर कितना, 22 × 3। तो 11 × 22 और 3 × 6। ठीक है दोस्तों, यहां जो यहां आपको पूछा है प्रथम अनुपात, तो करना क्या है, सिंपल वही है। ये हो जाएगा क्या आपका 18x बराबर 45 × 90, तो 18 बन जाए 90, तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 5 × 25 और 5 × 20 और 2 × 22। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी ऐसे कुछ सवाल है, बस सवाल तरीका बदला है, यानी कि रूप बदला है, सवाल वही है, तो डरना नहीं है दोस्तों। करना क्या है, यहाँ पूछा करो AB अनुपात BC समानुपात X अनुपात C का स्क्वायर। हमसे पूछा गया है X का मान, तो क्या करना है, अंदर अंदर वालों को गुणा और बाहर बाहर वालों को गुणा। तो ये हो जाएगा, कैसे होगा, BC गुणा, यानी कि मैं कहूँ AB गुणा C का स्क्वायर बराबर में क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा BC गुणा X। ठीक है दोस्तों, x का मान पूछा गया है हमसे, तो क्या करेंगे, दो यहाँ b है और यहाँ भी b है, तो पहले तो ये इस रूप में लिखो आप b a b गुणा, ये हो जाएगा c गुणा c बराबर b c गुणा x। तो यहाँ क्या दिख रहा है, एक तो दिख रहा है b, यहाँ b है, c दिख रहा है, यहाँ c है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका a c। ठीक है दोस्तों, समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, रूट एक्स अनुपात 1+√3 समानुपात √6 अनुपात एक्स। तो यहां पे हमें बताना है एक्स की वैल्यू, तो क्या करना है दोस्तों, जैसा करते चले आ रहे हैं, अंदर अंदर वाला को गुणा और बाहर बाहर वाला को गुणा, तो करना क्या है दोस्तों, हमसे √2 × x बराबर, समानुपात का मतलब ही बराबर होता है, तो क्या करना है, √2 × x और ये हो जाएगा आपका 1+√3 × √6। तो दोस्तों इसको थोड़ा रूट चेंज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि तो ये तो यही है, तो इसको लिखेंगे √2 × x बराबर, इसको ऐसे लिख देंगे 1+√3 कितना गुणा में √6 को, दोस्तों कैसे लिखा जा सकता है, √6 होता है 2 × 6 होता है 2 × 3, रूट है तो दोनों पर रूट हो, और दोनों जब दोनों का रूट है तो आराम करके लिखा जा सकता है 2√3। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम लिख लेंगे जैसे कि √2 × √3, तो यहाँ क्या है आपके √2 है, तो √2 कट गया, तो एक्स की वैल्यू कैसे आ जाएगी, अब ये तो गुणा में है तो क्या होगा, ये होगा √3, एक √3 का गुणा अगर एक में करें तो वही संख्या आ जाती है प्लस, ये और √3 हो जाता है 3, क्या हो जाता है
तो दोस्तों होगा क्या, या तो इस फॉर्म में दिया होगा आपको या ऐसे ही इसे उस फॉर्म में लिख लीजिए, तीन रूट तीन प्लस रूट तीन दोनों ही सही है। ठीक है दोस्तों, कोई दोनों में गलती नहीं है, ठीक है ना, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए रूट तीन और दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अनुपात दे रखा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अपने आप ही उन्होंने अनुपात दे दिया है। प्रॉब्लम यहाँ होगी अगर सी बराबर चार हो तो हमारे सी बराबर कितना है, दो। हमारा सी बराबर दो है तो बी बराबर क्या होगा, मैं कहूँ हमारा सी है दो, सी बराबर कितना है दो, और लेकिन इनके सी का बराबर कितना है चार, यानी दो का मतलब चार है, दो का मतलब चार है तो रूट तीन का मतलब क्या होगा, रूट तीन का मतलब क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, रूट तीन और दो दूनी चार, हमने कहा दो का गुणा क्या किया है, दो का गुणा तो हो गया ये दो दूनी चार, तो इसमें भी दो का गुणा कर देंगे इतना हो जाएगा दो रूट तीन। ऐसे दिया हो चाहे ऐसे दिया हो चाहे आपको रूट तीन, हाँ जैसे ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसी क्रम में। यहाँ पता पूछा गया है कि 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपात, तीसरा चौथा नहीं तीसरा, तो यहाँ पूछा गया जब दो दिए हैं और तीसरा पूछा है तो क्या होगा, ये होगा x अनुपात y समानुपात y और ये होगा आपका z। तो यहाँ पे होता है पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ तीन तीन अनुपात बनते हैं जब जो बीच वाला है वो समान हो, तो यहाँ क्या है x की वैल्यू आप रखिए कितना 0.8 और यहाँ रखेंगे हम कितना 0.2 समानुपात 0.2 और यहाँ x, तो क्या करना है सेम वही करना है, अंदर अंदर वाला का होगा और बाहर बाहर वाला का होगा, तो दो दूनी आप सिंपल करिए पॉइंट को भूल जाइए, दो दूनी चार, दो दूनी चार, ठीक है। अब कितने एक पॉइंट एक अंक बाद यहाँ पॉइंट है, एक अंक बाद यहाँ पॉइंट है, दो अंक बाद पॉइंट होगा, ये है अभी हमारा गुणा। अब बचा क्या x की वैल्यू निकालनी है तो 0.8, ठीक है दोस्तों। क्या कर सकते हैं इसको ऐसे कर दो जो 8 से कट जाए, तो कितना अगर मैं इसमें 10 का गुणा कर दूं, नीचे 10 का गुणा कर दूं और ऊपर 10 का गुणा कर दूं, इसका पॉइंट इधर आ जाएगा, एक बार और 10 का गुणा कर दूं तो इसका पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और तो ये हो जाएगा आपका चार, कितना चार, और इधर हो जाएगा एक पॉइंट ये हट जाएगा, यहाँ बचेगा 80। तो अब बाहर तो अब भी नहीं जा रहा, क्या कर सकते हैं पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जा रहा तो जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ भी जीरो बढ़ा देंगे, कितना 80 बन जाए 400, तो ये हो जाएगा आपका 0.05, कितना 0.05, समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे क्रम में। ऐसा यहाँ दिया है 0.02 और 0.32 का माध्य समानुपाती ज्ञात कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो वहां पूछा गया था तीसरा लेकिन यहाँ पूछा गया दूसरा, तो फॉर्म ये जाएगी x अनुपात y समानुपात y अनुपात z, ठीक है दोस्तों। तो हमसे पूछा गया है y का मान, किसका y का मान, तो प्रोसेस हमारा सेम है, अंदर अंदर वालों को होगा और बाहर बाहर वालों को होगा, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये तो हो जाएगा आपका y का स्क्वायर बराबर कितना x और z, मान रखे हैं आपको कितना ये हो जाएगा आपका 0.02 और ये आपका 0.32, बीच का पूछा गया तो इन दोनों को गुणा होगा क्योंकि ये बाहर वाले वाले, तो ये हो जाएगा वाई यानी वाई का स्क्वायर बराबर 0.02 का गुणा 0.32 से, तो कितना पॉइंट को भूल जाइए घर में सीधा गुणा करना है 32 × 64, कितना अब दो अंक बाद यहाँ पॉइंट है, दो अंक बाद यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा चार और ये हो जाएगा जीरो। अब इसका करना है आपको रूट, क्योंकि ये स्क्वायर में और हमें केवल चाहिए वाई का मान, तो आप क्या करना है केवल 64 का बताइए आप, जब आप अंकों की जोड़ी बना लीजिए एक जोड़ी दो जोड़ी, ठीक है दो जोड़ी बन गई, तो आप इसका रूट कितना हो गया 8 × 64,
अब ये तो खत्म हो गया, अब इसका क्या करना है, जीरो बिंदु और जीरो यहाँ मान आ जाएगा, कितना वाई बराबर हो जाएगा 0.8, 0.08। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते इसी क्रम में। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, 8 तथा 18 का मध्यानुपाती, सेम चीज को जी सब करना क्या है, वाई समानुपात और जे। तो मैं ये बाहर बार बार दी है कि 8 और 18, तो वाई का स्क्वायर यहाँ पूछा गया है। ठीक दोस्तों, तो क्या करना है, वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर कितना, 8 × 18 कितना होता है, ये होता है 18 होता है 144। वाई का स्क्वायर हो गया, वाई का स्क्वायर बराबर 144, वाई बराबर हो गया आपका 140 का रूट हो गया हमारा 12। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना दोस्तों, जल्दबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि काम बहुत है, सवाल बहुत कराने मुझे और टाइम कम है, वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, और शिकायतों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं तो स्लो चलना शुरू कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अनुपात समानुपात में। तो यहाँ क्या है, एक्स अनुपात वाई बराबर 7:8 हो तो 5x-3y इंटू 2x+2y का मान बता करना है। तो दोस्तों मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूँ, टाइपों को मैंने क्वेश्चन करने के लिए यहाँ इस वीडियो में कह दिया था, लेकिन पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि यहाँ x का मान होगा 7 और y का मान होगा 8। इसका x का मान होगा 7 जो पहले आया है वो उसका पहले, जो बाद में आया उसका बाद में। तो यहाँ क्या करना है आपको, केवल वैल्यू पुट करनी है, यानी कि एक्स का मान 7, क्योंकि जहाँ एक्स है तो 5 × x क्या है 7 माइनस 3 गुणा कितना वाई है, वाई कितना 8। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × x की वैल्यू 7 प्लस कितना 2y, यानी 2 × y की वैल्यू कितनी थी हमारी 8। तो आपको ये अब ये सॉल्व हो जाएगा, कितना 35 − 8 = 24, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 35 यानी 24, 35 में से कितना 6 इधर बचे और 5 = 9 इनटू यानी अनुपात यहाँ क्या बचेगा, 7 × 14 और 8 × 16 यानी कि 16 कितना बचेगा यहाँ से, एक प्लस है ना, प्लस हो जाएगा कितना 16 और 14 ये हो जाएगा आपका 20 और 30 कितना, तो अनुपात आया हमारा कितना। ठीक है दोस्तों, अभी 3 से कट नहीं सकता है, 3 × 9 और ये ठीक अभी सही है, समझ में आ रहा है। दूसरा डायग्राम इस टाइप में मैं बता दोस्तों कि अगर इस फॉर्म हो तो ये P का मान सामने वाला होगा, Q का मान इसके सामने वाला होगा, जब P अपॉन Q बटे में, तो फिर वही वैल्यू पुट करनी है, P का मान 2 है तो 5 × 2 प्लस कितना 7 × कितना Q है, Q है 3 बटे में कितना 3 × P का मान कितना है, P का मान आपका 2 है माइनस का 2 × क्या है Q, Q का मान बस पता चल 5 × 10 प्लस कितना 7 × 21 बटे में कितना 3 × 6 − 3 × 6 तो यहाँ तो 0 बचा आपको, यहाँ 0 बचा, 0 से जब 0 भाग देंगे तो यहाँ कुछ और कर लेते हैं, तो हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ 3 में भी तो यहाँ पर आपका 4 × 1 = 4 तो कितना हो जाएगा 4 × 8 − 3 × 6 ये दोस्तों अभी हो जाएगा कितना 10 और 31 बटे में कितना 8 − 6 तो ये हो जाएगा 2 कितना आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे के क्रम में। इस फॉर्म में क्या करना है, अब हमें दिया है कि एक्स बटे 4 ठीक है और वाई बटे 3 हो तो इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों इस फॉर्म में एक्स का मान उसका बटे में जो है 2 होगा, तो कितना बस 4 तो यानी 7 × 4 प्लस कितना 2
गुणा वाई का मतलब वैल्यू 3 बटे में 5 गुणा एक्स माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3, बस कितना हो गया 7 चौक 28 और 3 6, 28 और 6 हो गए आपके 28 और 6 हो गए आपके 34, इधर कितना 5 चौक 20 और 3 किया 9, कितना आ गया आपका 3। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन उसे भी क्लिक कर दें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट आपका बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमें खुद की कमियों का, खुद की जो हमारी अच्छाई है बुराई है उनका पता चलता है आपकी कमेंटों के द्वारा, तो कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।